तिलवाताल थाने की पुलिस ने बीआरडी मेडिकल कॉलेज में आने वाले मरीजों को संविदा कर्मियों द्वारा बहला फुसलाकर प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराकर धन उगाही करने वाले 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने पुलिस ऑफिस के सभागार में प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि मुखबिर की सूचना पर 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनकी पहचान उमेश कुमार पुत्र राम केवल निवासी ग्राम परसवा पोस्ट मरीजगंज थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संत कबीर नगर, दूसरा बिट्टू यादव पुत्र अनिरुद्ध यादव निवासी कुरमौला उर्फ सोनपुर थाना पड़रौना जनपद कुशीनगर, तीसरा मोहम्मद असलम पुत्र मोहम्मद इस्लाम निवासी फतेहपुर थाना चिलुआ ताल थान जनपद गोरखपुर, चौथा महेंद्र पुत्र विजयनाथ निवासी मोगलाहा थाना गुलरिया जनपद गोरखपुर, पांचवा सहनवाज पुत्र मोहम्मद कासिम निवासी महरौली थाना बेतिया पश्चिम चंपारण बिहार, हाल पता डिहवा फतेहपुर थाना चिलुआ ताल गोरखपुर, छठवां उमेश भारती पुत्र स्वर्गीय नंदलाल प्रसाद निवासी मोगलाहा हरजन बस्ती थाना गुलरिया गोरखपुर, सातवां दीनदयाल पुत्र स्वर्गीय फागुन निवासी भटकोलिया थाना गुलरिया जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है। एसएसपी ने बताया कि 18 फरवरी को मुख्य चिकित्सा अधिकारी गोरखपुर व अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी गोरखपुर में टीम द्वारा यूनिवर्सल हॉस्पिटल में मेडिकल कॉलेज रोड झुंगिया के पंजीकरण एवं मानकों की जांच की गई। जांच के दौरान हॉस्पिटल में 3 मरीज भर्ती पाए गए, परंतु मौके पर कोई भी चिकित्सक उपस्थित नहीं मिले। हॉस्पिटल में उमेश पुत्र राम केवल निवासी परसवा पोस्ट मीरगंज जनपद संत कबीर नगर मिला, जिसकी स्वास्थ्य विभाग से संबंधित कोई भी डिग्री नहीं थी। उमेश ने बताया कि हॉस्पिटल को उनके बड़े भाई महेश कुमार द्वारा संचालित किया जाता है। हॉस्पिटल में भर्ती मरीजों के तीमारदारों ने बताया कि तीनों मरीज पहले बीआरडी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराने गए थे। वहां पर अभियुक्त गणों द्वारा मिलकर बीआरडी मेडिकल कॉलेज में मरीजों को उचित स्वास्थ्य सुविधाओं की न होने की बात कहकर झांसे में लेकर निजी अस्पताल में भर्ती होने हेतु प्रेरित किया गया। तीमारदारों को बरगलाकर मरीजों को यूनिवर्सल हॉस्पिटल तथा अन्य प्राइवेट अस्पतालों में अच्छी स्वास्थ्य की झांसा देकर निजी एम्बुलेंस से भर्ती कराया गया। यूनिवर्सल हॉस्पिटल में भर्ती कराने के उपरांत हॉस्पिटल संचालक के साथ अभियुक्तों द्वारा मिलकर तीमारदारों से लाखों रुपए जमा करा लिया गया। मरीजों को वहां पर कोई भी डॉक्टर अटेंड नहीं करने गया। मरीजों की हालत बिगड़ती जा रही थी। गोपनीय जांच पूछताछ व अन्य स्रोतों से प्राप्त जानकारी से यह ज्ञात हुआ है कि अभियुक्तगण प्राइवेट अस्पतालों की दलाली करते हैं। अस्पताल संचालक महेश कुमार व उसके भाई उमेश व एम्बुलेंस चालक बीआरडी मेडिकल कॉलेज के संविदा ट्राली मैन व संविदा वार्ड बॉय व अन्य भी शामिल हैं। यह सभी आपसी दुष्प्रेरण करते हुए बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर से मरीज को गेट पर ही ट्रॉली मैन व एम्बुलेंस चालकों की सहायता से अन्य किसी हॉस्पिटल ले जाकर भर्ती कराते हैं और उसके बाद अस्पताल संचालक इन्हें आर्थिक लाभ देते हैं, जिन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में चिलुआ ताल थाना प्रभारी संजय मिश्रा, उप निरीक्षक आशीष कुमार, कांस्टेबल बलवंत सिंह, संजय मौर्य, राहुल यादव, यादवेंद्र यादव, राघवेंद्र कन्नौजिया, धीरेन्द्र यादव, मनोज यादव द्वितीय, विजय गौड़ शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने कहा, जनपद गोरखपुर में प्रशासन पुलिस और स्वास्थ्य विभाग द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें विशेष रूप से जो पेशेंट्स यहाँ पर मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए आते हैं उसको वहाँ पर इलाज की सुविधा मिलने से पहले ही बरगला करके अपने झांसे में लेकर के प्राइवेट एम्बुलेंसेस के माध्यम से ऐसे हॉस्पिटल्स में कुछ दलालों द्वारा शिफ्ट किया जाता है, जहाँ पर ना तो उनको प्रॉपर चिकित्सीय इलाज मिलता है और इसके साथ साथ उनसे भारी रकम भी वसूल ली जाती है। ऐसे भी हॉस्पिटल्स इस तरह के संचालित हो रहे हैं जिसमें या तो जिस डॉक्टर के नाम से वो रजिस्टर्ड है वो डॉक्टर वहाँ पर खुद ना रह करके वहाँ पर जो इलाज किया जाता है वो अप्रशिक्षित लोगों द्वारा किया जाता है, या फिर जिस डॉक्टर के नाम से रजिस्टर्ड था वो पहले ही हॉस्पिटल को छोड़ के चले गए हैं। ऐसे अभियान में पूर्व में भी एक मुकदमा थाना रामगढ़ ताल में लिखा गया था, जिसमें कई लोग जेल गए थे। इसी क्रम में 18 तारीख को सूचना के आधार पर जो CMO है और उनकी टीम द्वारा थाना चिलुआताल क्षेत्र में यूनिवर्सल हॉस्पिटल के नाम से एक रेड किया गया। वहां पर भी इसी तरह की स्थिति पाई गई कि बीआरडी मेडिकल कॉलेज से आए हुए मरीज वहां भर्ती थे। इस हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन जिस डॉक्टर के नाम पर था वो 4 महीने पहले ही लिखित रूप से इस हॉस्पिटल को छोड़ के जा चुके हैं। पुनः उसका रजिस्ट्रेशन ना तो रिन्यू हुआ है, ना ही वहाँ पर किसी डॉक्टर की नियुक्ति हुई है, जिससे ये क्लियर है कि वहाँ पर चिकित्सा सुविधा देने के लिए कोई भी डॉक्टर अधिकृत नहीं था और वहाँ पर किसी भी गुणवत्तापूर्वक इलाज नहीं हो रहा था, जिससे कि पेशेंट्स की जो स्वास्थ्य है और उनकी जान है उनको बड़ा खतरा हो रहा था। इस हॉस्पिटल को CMO साहब द्वारा सील किया गया था। इस संबंध में उनके द्वारा थाना चिलुआ ताल पर एक मुकदमा पंजीकृत कराया गया है, जिसमें हॉस्पिटल संचालक के साथ साथ
जिन दलालों द्वारा पेशेंट्स यहाँ पर शिफ्ट किए जाते हैं उनको भी नामजद किया गया, और साथ ही साथ कुछ ऐसे वहाँ पर बीआरडी में कर्मचारी हैं जैसे वार्ड बॉयज़ हैं उनको भी नामित किया गया है। इस संबंध में पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में टोटल 7 लोग अरेस्ट हुए हैं जो इस पूरे गैंग के मेंबर हैं। कुछ लोग इसमें अभी भी वांछित हैं जिनके लिए लगातार दबिश दी जा रही है। जो अरेस्ट हुए हैं उसमें हॉस्पिटल के संचालक, इसके अतिरिक्त जिन दलालों द्वारा ये मरीजों को शिफ्ट किया गया, और इसके अतिरिक्त वहाँ पर जो वार्ड बॉय हैं जो कि दलालों के सहयोग में पेशेंट को वहाँ से बरगलाने और कहीं और भेजने के लिए अपना सहयोग देते हैं, उनकी भूमिका भी इसमें पाई गई थी। ये सभी लोग जो अरेस्ट हो रहे हैं इनको जेल भेजा जा रहा है। इनसे काफ़ी गहन पूछताछ हमारे अधिकारियों द्वारा की गई है। और भी लोग जो इस चीज़ में इन्वॉल्व हैं उनके भी नाम सामने आए हैं। साथ ही साथ और जो बीआरडी मेडिकल कॉलेज में जो वहाँ पर संविदा या अन्य चीज़ों में लोग नियुक्त हैं जो कि या तो अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभा रहे हैं या फिर ऐसे दलालों का साथ दे रहे हैं, उनके नाम भी सामने आए हैं। और इस तरह के कितने गैंग्स चल रहे हैं और जनपद में ऐसे कितने हॉस्पिटल हैं जो इसी पैटर्न पर काम कर रहे हैं, जिनके पास ना तो प्रशिक्षित स्टाफ है ना डॉक्टर्स हैं और जिनका रजिस्ट्रेशन भी प्रॉपर नहीं है, ये सारी जानकारियाँ आई हैं। आगे चल के ये अभियान इसी तरह से जारी रहेगा, इनके ऊपर मुकदमा लिख के जेल भेजा जा रहा है और आगे चल के इसमें गैंगस्टर की भी कार्रवाई की जाएगी। तो वहाँ पर पूर्व से काम कर रहे थे, पहले भी ऐसी कार्रवाइयाँ हुई थी। अब जब सूचना हमारे पास प्राप्त हो रही है तो ऐसे कई लोगों के नाम सामने आए हैं। दर्जन भर हॉस्पिटल ऐसे हैं जो पूर्व में किसी और नाम से संचालित हो रहे थे, रजिस्ट्रेशन ना होने की वजह से बंद हुए, फिर नाम चेंज करके संचालित होने लगे हैं। तो स्वास्थ्य विभाग, जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन द्वारा संयुक्त रूप से और बीआरडी मेडिकल कॉलेज प्रशासन द्वारा संयुक्त रूप से ये अभियान चलाया जा रहा है, और हम आपको आश्वस्त करते हैं कि इस समस्या का समाधान जल्द ही कर दिया जाएगा। और जो भी पेशेंट अपना इलाज इस उम्मीद के साथ आता है कि उसका अच्छा इलाज बीआरडी में हो, ये भी सुनिश्चित किया जाएगा, किसी की जान माल का नुकसान इसमें ना हो, इसको भी सुनिश्चित किया जाएगा। वहाँ पर अलग अलग लोग गैंग के रूप में काम कर रहे थे, जैसे पिछले वाला जो घटनाक्रम रामगढ़ ताल में था उसमें एक अलग गैंग काम कर रहा था, इस वाले में दूसरा कर रहा था, और भी अगर हमारे सामने बात आएगी तो उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी।